या गुड इवनिंग बालक, हाउ आर यू? टेल मी प्लीज। या गुड इवनिंग बालक, हाउ आर यू? टेल मी प्लीज। ओके सो या डियर, कम एंड जॉइन बेटा CIZ प्लस। एंड यू नो बेटा जी, विद द हेल्प ऑफ CIZ प्लस वी कैन कवर अवर सब्जेक्ट इन प्रॉपर वे। सो वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू ऑन द CIZ प्लस। एंड डियर, अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज अ बेटा SSC स्पेशल सीरीज। ओके, एंड इन दिस सीरीज यू विल गेट ऑथेंटिक क्वेश्चन, रिलीवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग बेटा 3 टेस्ट पेपर फॉर यू, एंड दीज टेस्ट पेपर्स आर फ्री। ओके, सो जस्ट ज्वाइन द CIZ प्लस ऐप। ओके, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट योर टेस्ट सीरीज। ओके, सो इन दीज 3 पेपर्स बेटा, इन मतलब इन 3 पेपरों में जो अपने पास पेपर्स हैं बेटा, वो 2 टेक्निकल हैं और 1 नॉन टेक्निकल है। ओके, एंड दीज पेपर्स आर डिजाइन बाई सम एक्सपर्टीज, सो प्लीज ज्वाइन दिस थिंग। ओके, एंड वन इज नॉन टेक्निकल। या सो वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू डियर, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या है कहानी इसके पीछे, लाइक टेक्निकल पेपर के पीछे कहानी मेन ये है बेटा कि हमें एक प्रॉपर वे से चीजें आनी चाहिए, एक प्रॉपर वे से फॉर्मूले आने चाहिए, अ काइंड ऑफ प्रॉपर वे से कंसेप्ट आने चाहिए, देन वी कैन हैंडल अवर सब्जेक्ट इन प्रॉपर वे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगेन आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू बेटा, इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड एज वेल एज योर जो भी कलीग हैं, अगर आप जॉब करते हैं एंड स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन SSC, देन बेटा अपने जो भी दोस्त लोग हैं या जो भी फ्रेंड हैं या जो भी कलीग हैं, सबको इन्फॉर्म करिए, बिकॉज माई डियर फ्रेंड CIZ प्लस एंड मी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट थिंग फ्रॉम आवर साइड। ओके, एंड आई वॉन्ट टू एश्योर यू दैट कि डेफिनेटली बेटा जी आपको इस सीरीज से और टेस्ट सीरीज से दोनों ही चीज़ों से फायदा होने वाला है। ओके, सो जस्ट सी बेटा, आवर फर्स्ट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक। ओके, एंड दैट एग्जाम्पल इज रियली वेरी इजी। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आई वॉन्ट राइट विट आर फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, एंड दैट इज नथिंग बट विट आर सिंपल एग्जाम्पल। सो सो आई वॉन्ट राइट विट आर सम आर हियर एंड सम विट आर एल हियर सम वेयर, एंड देन बेटा जी आई वॉन्ट टू राइट सम सप्लाई वोल्टेज VS, एंड दैट VS बेटा इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्स, एंड दिस R इज इक्वल टू 10 ओम, एंड द करेंट थ्रू दिस इंडक्टर बेटा इज गिवेन, एंगल 45 डिग्री। ओके, द करेंट थ्रू दिस इंडक्टर बेटा एल, सो टेल मी पावर डिसिपेटेड बाई दिस रेजिस्टेंस आर इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इज रियली वेरी इजी बेटा, पावर डिसिपेटेड बाई दिस इंडक्टर, सॉरी पावर डिसिपेटेड बाई दिस रेजिस्टेंस विल बी इन वॉट? या थिंक ओवर इट एंड टेल मी। यस, थोड़ा इत्मीनान से समझिए बेटा कि क्या चीजें हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड थिंग्स। ओके, या बहुत प्रॉपर वे में चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। या 20 वॉट डिंपल शर्मा, वेरी नाइस बेटा, 40 ELA, 40 वॉट, या वॉट, ओके नो इश्यू बेटा। सो वॉट इज द क्वेश्चन बेटा, सी प्रॉपरली, 40 वॉट, ओके, सो डिंपल सी बेटा वॉट इज द इश्यू, वॉट इज द प्रॉब्लम, दिस इज सम वोल्टेज सोर्स एंड हियर बेटा दिस करेंट इज गिवन एंड दैट करेंट अमाउंट इज नथिंग बट 12 एम्पियर। ओके,
So 12 angle 45 degree ampere. Now beta, this R is given, but L is not given. Okay. The most important thing I want to tell you beta. First thing, this is the AC system. Aapko ye dhyan rakhna beta. This is the AC system. If the AC system is there beta, then keep in mind, inductor and capacitor are never responsible for real power. Okay, for real power. So beta, power delivered by this AC system, this one beta, will always be power dissipated by this resistive load in this circuit. And now beta, this is the series circuit, you can understand. This is the series circuit. So what will be the current through this resistance is nothing but beta, this one. So I want to write beta, resistive power is nothing but I RMS square into R. So now beta, this value is given RMS. Agar is form mein likha ho to RMS, aur is form mein likha ho to bhi RMS. Matlab aap kaise identify karoge ki RMS hai ki peak hai? Agar beta koi supply aapko aise diya hua hai Vm sin omega t, तो फिर आप कहेंगे बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है. अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं बेटा V एंगल 0 या V एंगल 5 कुछ भी, तो आप बोलेंगे RMS वैल्यू है. मतलब इस फॉर्म में दिया हो तो RMS और इस फॉर्म में दिया हो तो पीक. अब देखो इस फॉर्म में दिया ना, सेकंड फॉर्म में सब कुछ. सो दिस इज RMS, दिस इज RMS. तो कौन सी करंट हो गई बेटा 12 एंपियर RMS वैल्यू. सो 12 स्क्वायर * बेटा 10 इज हाउ मच दिस पावर इज इजी 12 स्क्वायर बेटा * 10 1440. Okay, 1440 is our final answer. Okay, no need to consider beta this answer like this beta angle. Okay, 45 degree, because we know that in resistive load beta the phase displacement between voltage and current is always equal to 0 degree. Okay, so we can ignore nothing we require to handle this question, only this quantity and R. Okay, yeah, this is the thing. So 12 square into 10, job is done. अब अगले बात को समझते हैं बेटा. ओके, कि क्या और बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम द सेम सेक्शन. ओके, सो आई वांट टू टेक अनदर एग्जांपल बेटा. दिस इज द आर एंड दिस इज द बेटा एल. ओके, एंड आई वांट टू एक्साइट बाय सम एसी सोर्स वेयर वीएस इज इक्वल टू वीएम sin ओमेगा टी. सो दिस इज द बेटा एसी वोल्टेज एंड आई वांट टू राइट दिस इज आर दैट इज एल. खत्म बात. And I want to write again, this voltage VR and VL are given. And obviously, beta, this is the AC system. So I want to write, beta, this is the 20 volts and it is the, roughly I want to write, beta, 15 volts. Okay, this is the thing. Now, beta, see, this is AC system again. Okay, because we want to excite by this. And I want to write, beta, frequency or excitation frequency is Indian frequency, 50 hertz. So can you tell me first thing, what will be the value of Vs according to this circuit beta? So my first question is value of Vs in volts. And this is beta Vm sin omega t, and that quantity is, my dear friend, 15 volt. Okay, so this is beta 15 volts. Yeah, please try to handle it. Yeah, I'm waiting beta for your response. So aram se sochiye and then tell me what can be the correct answer. Okay, yeah, very nice. So ab kya hai balak, agar hum yahan pe baat kare to sabse badi baat jo important hoti hai wo hoti hai system ko samajhna beta. So first thing, in AC system beta, the most important thing, we can apply KVL, KCL, Ohm's law similar to DC circuit. Similar to DC circuit. अब समझिए बालक, क्या फर्क होता है एक DC और AC circuit में? Okay, so first I want to tell you that thing and I promise you beta ji, after understanding that concept, you will handle this question. Okay, so please don't worry. Okay, now see beta, here I want to write some DC system is there. And I want to write beta some R1, R2 roughly. Okay, so here this is the beta 20 volt and let us assume this is R1 and R2. Okay, and the value of R1 is beta, I want to write 5 ohm. R2 beta, I want to write 10 ohm, something like this. Okay,
And Mitaji, I want to identify the voltage across this R1, V1, and the voltage across this R2 is V2. ये हमारा task है. Now see बेटा, in DC system or in DC circuit, phasor diagram not possible. Okay, phasor diagram बेटा not possible because बेटा we never have any phase displacement in between voltage and current. Okay, so this thing is never valid in this circuit. That means these all quantities in this circuit बेटा जो भी है, all the quantities of this circuit are scalar quantities. Please mind it beta, are scalar quantities. Okay, this is the thing. Ab samjhiye beta, if all the quantities are scalar quantities, then we can add or subtract only beta by in terms of constant values. So what will be the V1 and V2? For that, just identify this current beta I, and I is nothing but beta 20 by 5 and 10, 15. So I want to write beta I is equal to 20 by 15, and that is nothing but beta 4 by 3. So is equal to 1.33 ampere. Job is done. Now beta, if this current is going to flow here, then what will be the V1 value? So V1 is equal to beta 1.33 into 5. So 5 into 1.33. So बेटा कितना हो जाता है, 5 × 15 116, अरे कहां गया भाई, 5 × 15 116 और 5 × 5 = 6, so 6.65 और 6.67. so बेटा V1 will be 6.67 साहिल. yeah, बेटा it is very nice. I will tell you just wait a minute बेटा. okay, yeah, so this is the बेटा 6.67 volts. So now beta, what will be the value of V2? V2 is nothing but 20 minus V1. So we can write beta 13.33 volts, approximate the value of V2. Okay, so these are the answer. But here beta, in DC system, what will happen in this AC system? AC system, again, I want to consider beta in the same way. Okay, so see, I want to take some RC network here. Okay, and this is beta, some supply here. And I want to say this is V1, sorry, this is VR, this is VC, capacitor voltage. Then beta, the most important thing for the AC system is nothing but, okay, jab bhi aapko AC mile. So for the AC system, I won't write, for the AC system or circuit beta, first, the most important thing beta, first convert all inductance and capacitance beta in terms of inductive reactance beta, inductive reactance and capacitive reactance respectively. Capacitive reactance respectively. Okay, this is the most important point. तो क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, जब भी AC system handle करने जाएंगे तो आपको L में convert, L को convert करना है बेटा XL में, और C को convert करना है बेटा XC में. अच्छा, XL क्या होता है बेटा? XL होता है J times omega L, जहां पे ओमेगा क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड. नाउ बेटा एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है माइनस जी बाई ओमेगा सी, आयोटा नंबर. सो नाउ बेटा माइनस जी बाई ओमेगा सी, वेयर अगेन ओमेगा इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड. ओके, टेल मी बेटा साहिल एंड डिंपल एवरीवन, इट इज क्लियर? ओके, दिस इज द थिंग बेटा. आगे बढ़ते हैं तो कहानी क्या है, जरा समझना बेटा. ओके, सो फॉर द गिवन सर्किट बेटा, लेट हियर वी हैव सम आर एंड सी. आई वांट टू राइट बेटा, दिस इज द सीरीज सर्किट, देयर इज नो डाउट. सो आई वांट टू टेक सम करंट आई इज हियर. सो व्हाट विल बी दिस वी आर बेटा? वी आर इज नथिंग बट आर इनटू आई आर, एंड बेटा दिस वी सी इज नथिंग बट आई इनटू एक्स सी. तो मैंने इसे एक्स सी मान लिया, ठीक है. अच्छा बेटा, चाहे XC हो चाहे XL हो, दोनों की यूनिट क्या होगी, ओम. खत्म करते हैं इस बात को. ओके, ये कंसेप्ट कुछ आपको आने चाहिए. अब बेटा मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं कि ऐसे रफली समझो कि IR इज इक्वल टू IC बेटा, बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट. सो दिस रजिस्टिव करंट इक्वल टू बेटा कैपेसिटर करंट IC. अच्छा, IR क्या होगा बेटा ओम्स लॉ से? VR by R. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा, VR by R. और IC क्या होगा बेटा? VC by XC. So VC by XC. और XC क्या होता है बेटा? 1 by J omega C. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, J omega C into VC is equal to VR. तो VR हो गया बेटा omega CR, ये बेटा multiply omega CR
BC और J को लिख देते हैं एंगल 90. दिस इज द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. इसका मतलब बेटा ये जो VR है वो BC से कितने डिग्री लीड करेगा? 90 डिग्री. सो VR बेटा विल लीड बाय BC बाय एन एंगल 90 डिग्री. एंड ड्यू टू दिस थिंग बेटा व्हाट विल बी द सप्लाई वोल्टेज? ऐसे समझो ये BC है, ये VR है बेटा, तो VS इसका रिजल्टेंट होगा ये. तो एक बात आप समझ गए बेटा, इन AC सिस्टम और AC सर्किट बेटा वी रिक्वायर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, वी रिक्वायर बेटा वेक्टर क्वांटिटीज, प्लीज माइंड इट, नॉट स्केलर, नॉट स्केलर. सो नेवर ऐड बेटा, लाइक नहीं होता है कि नेवर ऐड डायरेक्टली, नॉट स्केलर, नेवर ऐड डायरेक्टली और नेवर ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली. ओके, ऑलवेज यूज बेटा सम ज्योमेट्री. ओके, सो हियर सी what will be this VS value beta. VS value we can easily write, this VS is nothing but under root of beta VR square plus VC square from the Pythagoras theorem. Now what will be the beta thing is here for this circuit jo maine aapko diya tha. What was I was asking beta? R1 is this, not this one beta, yeah this one. R beta this VR voltage is 20 volt and VL voltage is 15 volt, then tell me the value of VS. Now think over it and tell me. Yes, Bala, think over it and tell me, please. अब तो बता दिया ना बेटा, बेटा जी मैंने आपको, तो वही कंसेप्ट यूज कीजिए. इन एसी सिस्टम वी रिक्वायर बेटा वेक्टर क्वांटिटीज, वेयर एज इन डीसी सिस्टम वी रिक्वायर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. ओके, सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. सो थिंक ओवर इट एंड टेल मी बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VS? ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VS इन वोल्ट्स? Yeah, Dimple and Sahil, try to reply beta. Yeah, 35 sin 3 omega t. Very nice beta. मैं अभी देखता हूँ आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि नहीं. Okay, so see beta, what will be the VS? See, this is the beta VR and VL. So first assume here beta some current IR and this current beta IL. And I want to replace this L by XL. तो देखो सीरीज सर्किट में बेटा IR IL इक्वल होंगे, समझ गए बात, IR इक्वल टू IL. अब IR की वैल्यू क्या होगी बेटा? VR by R. तो मैं इसको लिख देता हूं VR by R और ये होगा बेटा VL by XL, खत्म बात. तो देखो VL क्या लिख सकते हो, VL इक्वल टू बेटा VR, यहां लिख दिया मैंने. XL होता है बेटा J ओमेगा L, तो ओमेगा L by R ये वाला आ गया बेटा, और J बच गया, J को एंगल लिख दिया 90 डिग्री यहां पे. So this is the phase relationship in between inductor voltage and resistor voltage. Okay, so what will be the beta phasor diagram here? Okay, what will be the phasor diagram? So I want to make some space beta so that I can give you solution on the same page. Okay, without any delay. So here beta, what will be the phasor diagram? In phasor diagram, you know beta, VL will lead by VR by an angle 90 degree. Okay, देखो VR के साथ angle है 90 degree. VL equal to something. Now beta, the resultant of VL and VR will be beta VS. So VS kya hona chahiye? Under root of VR square plus VL square. Kaun kaun kitna hai beta? Jara observation karo question mein. VR is 20, VL is 50. To aise likh de beta. Dekho, 20 square plus beta 15 square. So how much this value will come beta? 20 square plus 15 square. Under root of this, so beta it will come 25 something volts VS beta. Now see beta, what is the correct answer? So VS value will be 25 volts RMS. So VS RMS will be 25 volt. Agar aap VS ke respect mein likhna chahe, to kaise likhenge beta? 25 RMS into root 2 maximum sin omega t. Wait a minute beta, my battery is somewhat weak, so give me few seconds beta. I want to reconnect charger. Okay, so sine omega t something, and beta 25 root 2 how much will come? Okay, just give me few seconds beta.
Yes. Yeah, so dimple beta 35 sine. So how much it will come beta? 25 root 2 is nothing but beta 35.35. Absolutely correct. Okay, there is no doubt beta. So you are definitely correct beta. So what will be the value beta? So Vs, we can write 35 point beta 35 sine omega t is our final answer. So aapka answer beta bilkul sahi hai, without any doubt. ओके चलिए इतनी बात क्लियर है बेटा डिंपल साहिब. तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और बेहतर समझते हैं बेटा. नाउ आई वांट टू आस्क यू बेटा वेरी इजी एग्जांपल. ओके सी प्रॉपरली हियर बेटा, वी हैव सम लोड इन दिस फैशन बेटा आर एल एंड बेटा दिस इज आर सी. ओके एंड इन दिस फैशन बेटा आई हैव ओके नॉट वेट ए मिनट बेटा दिस इज नॉट आर. So I want to connect beta here LC in this fashion, and again beta here some capacitor is there, and here beta one inductor is there. Okay, and this is beta our source, and that source is operating beta at 500 watt and 0.76 power factor lagging. Okay, this is the thing. This is the supply information, 500 watt, 0.76 power factor lagging. And here beta, I want to write R1, L1, C1, L2, C2 and L3. Okay. So now beta, tell me power dissipated by resistance R. Okay. In watt. Think over it and tell me beta. Power dissipated by resistance in watt. Aram se sochiye beta. Take some time, around 10 seconds, 20 seconds. एंड विद इन दिस टाइम इंटरवल थोड़ा नहीं होता बेटा. एक हमेशा बात याद रखिए कि एग्जामिनेशन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये बहुत मायने रखता है. ओके कितना हमारे अंदर एक्टिवनेस है, कितना हम काइंड ऑफ सीरियस हैं एग्जाम के प्रति, तो हर पॉइंट मैटर करेगा वहां पे. ओके सो थिंक ओवर इट एंड टेल मी हाउ मच पावर बेटा आर विल डिसिपेट. हाउ मच पावर आर विल डिसिपेट, दिस इज द थिंग. Yeah, do you have any doubt beta? If you have any doubt, please let me know. तो आप doubt पूछिए, हम लोग discuss करेंगे. और साथ में बेटा क्या simple बात है कि इस question का answer भी आप ही को देना है. Okay, very nice बेटा. Unable to calculate. Okay, very nice. See, what I told you बेटा, आप ही answer देना, मैं नहीं दूंगा. Okay, आप ही answer देना बेटा. मैं आपको एक concept बता रहा हूँ, आप answer देना. Okay? I want to ask you very simple question बेटा, कि अपना एक घर है. ओके और इस घर में बेटा 10 कमरे हैं मान लेते हैं. ओके सो इन दिस बेटा बिल्डिंग वी हैव 10 रूम्स, और 10 रूम्स है बेटा, कॉरिडोर है, बालकनी है, बहुत सारी चीजें हैं, और हर जगह बेटा लोड कनेक्टेड है. तो मैं ऐसे बोल देता हूँ लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 बेटा, लोड 5, लोड 6, लोड 7, लोड 8. ओके and load 9 beta, and somewhere here is load 10 also. Okay, and now beta, we want to provide some external supply from here, and that supply beta, I want to provide 230 volts 50 hertz is the our main supply. And here beta, I have connected some wattmeter. Okay, I have connected some wattmeter, and this beta wattmeter is coming here. Ab ye wattmeter kya karega? रीडिंग को डिस्प्ले करेगा. समझो रीडिंग को क्या करेगा बेटा, डिस्प्ले करेगा. मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, जो वॉटमीटर आपने लगाया है, इस वॉटमीटर की रीडिंग 0 वॉट आ रही है, तो आप क्या कहोगे बेटा, कौन सा लोड ऑपरेट हो रहा है? प्लीज टेल मी बेटा, विच लोड इज गोइंग टू ऑपरेट इफ द वॉटमीटर रीडिंग इज कमिंग 0 वॉट. मतलब आप जब वॉटमीटर को देख रहे हो तो इसमें 0 लिख के आ रहा है, तो बता सकते हो बेटा कौन सा लोड ऑपरेट होगा आउट ऑफ L1 टू L10. Yeah, please tell me beta, out of L1 to L10, which load will operate if this wattmeter is showing beta 0 watt. मतलब अगर ये सभी लोड आपने देख लिए, कोई घर है, बिल्डिंग है जिसमें 10 कमरे हैं बेटा, 10 लोड लगे हुए हैं काइंड ऑफ, और एक वॉटमीटर लगा दिया मैंने बाहर,
और तो इस वॉटमीटर की रीडिंग जीरो आ रही है। तो बता सकते हैं बेटा कौन सा लोड ऑपरेट हो रहा होगा? कैन यू टेल मी बेटा कौन सा लोड ऑपरेट हो रहा होगा? ओके तो देखिए बेटा जो अभी लोग ज्वाइन किए हैं, मेरा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक बिल्डिंग है उसमें 10 लोड लगे हुए हैं बेटा। 10 लोड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले 10 लोड्स है, जैसे पंखा लगा, बल्ब लगा, कुछ और लगा हुआ है, और हम लोग बेटा मेन सप्लाई से इसे ऑपरेट करने जा रहे हैं। ओके लेकिन आपका वॉट मीटर बेटा जीरो रीडिंग शो कर रहा है, तो बता सकते हैं कौन सा लोड ऑपरेट हो रहा होगा? या बेटा जी कोई लोड ऑपरेट नहीं होगा। ओके क्योंकि वॉट मीटर क्या शो कर रहा है? जीरो वॉट। अगर वॉट मीटर जीरो वॉट शो कर रहा है तो इसका मतलब हम कोई पावर कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं। तो सभी लोड क्या है बेटा? ऑफ, मतलब घर में कोई नहीं है, फुली शट डाउन है। ओके कोई लोड ऑपरेट नहीं हो रहा है, इंडिकेटर भी नहीं चल रहे हैं, तभी तो वॉट मीटर जीरो आ रहा है रीडिंग। ओके अगले पॉइंट को समझिए बेटा, वेरी नाइस। कोई ना, आप रिप्लाई करते रहिए, यही बहुत है। ओके अगले पॉइंट को समझिए बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक सर्किट है बेटा एसी सिस्टम एंड वी हैव हियर सम इंडक्टर एंड आई वांट टू कनेक्ट बेटा दिस एसी सोर्स हियर। ओके एसी सोर्स हियर बेटा एंड दिस इज एल, समझ गए? अब इसमें क्या है बेटा, इसमें मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं कि रियल पावर कितनी डिलीवर होगी बेटा इस सप्लाई से? रियल पावर पी, बिकॉज इन एसी सिस्टम वी हैव बेटा थ्री पावर, पी क्यू एंड एस, पी क्यू एंड एस, खत्म बात। ओके ये है बेटा, चलिए वेरी नाइस साहिल। ओके या जीरो, वेरी नाइस बेटा। अब देखो ये इंडक्टिव लोड है बेटा। अब आपको पता है इंडक्टिव लोड यानी कि VL और IL के बीच में कितना एंगल होता है बेटा? VL और IL के बीच में बेटा एंगल होता है 90 डिग्री, और करंट करेगी लैग। सो बेटा इन दिस केस इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन व्हाट इज द रियल पावर बेटा? P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, वेरी नाइस बेटा। 90 डिग्री पी इज इक्वल टू बेटा वी आई कॉस फाई। So VI cos phi means बेटा if the phi is 90 degree 0 watt, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो ये रियल पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, रियल पावर कंज्यूम नहीं करेंगे। और बेटा रियल पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और अपेरेंट पावर की यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर। ओके तो बेटा एसी सिस्टम में कितनी पावर्स होती है? इन जनरल तीन पावर होती है, कौन कौन सी बेटा? P, Q एंड S। P इज कॉल्ड बेटा रियल पावर, रियल पावर, एंड दैट पावर बेटा इज यूज टू ऑपरेट अवर लोड, टू ऑपरेट अवर लोड बेटा वी यूज रियल पावर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बेटा रिएक्टिव पावर? इट इज यूजफुल बेटा टू डेवलप बेटा flux kind of, okay? And apparent power is the beta resultant power of, apparent power equals to beta under root of P square P, Q square. So beta this Q power is sometimes is called imaginary power, okay? So please mind it, अगर आपका bulb glow करता है beta, fan चलता है, कुछ और चलता है, तो उसमें reactive power का कोई use नहीं है। आप ऐसे समझिए reactive power फर्जी है। जैसे आपने beta cold drink ली, cold drink को glass में डाला, okay? तो आपने देखा होगा बेटा जब जैसे किसी छोटे बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दे दो, ओके तो जब वो कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में सर्व करेगा बेटा, ट्रांसफर करेगा, तो जल्दी से अगर कर दिया तो बेटा स्मोक बन जाता है। आपने देखा होगा जल्दी से स्मोक बन जाता है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ता है ताकि स्मोक खत्म हो, तब आके फिर आप लिक्विड इसमें ऐड कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन करो, जो लिक्विड क्वांटिटी है बेटा उसे मैं पी बोल रहा हूं, जो स्मोक है झाग बन गया है उसे मैं क्यू बोल रहा हूं, बट स्मोक का तो कोई यूज ही नहीं है ना बेटा, तो हमें इस स्मोक को खत्म करना है काइंड ऑफ। तो ये एक ड्रॉबैक होता है सिस्टम में, तो हमें रिएक्टिव पावर कम से कम रखनी होती है। ओके अब बेटा समझते हैं, जैसे आपको मैंने बताया बेटा रिएक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल और सी, और रियल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि 1 kilowatt पावर अपने घर में कंज्यूम हो रही है, तो वो 1 kilowatt पावर डेफिनेटली घर में जितने भी लोड लगे हुए हैं बेटा उनके रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रही है। और अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि घर में 200 VAR रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब उसके लिए एल और सी लगे हुए हैं। ओके तो रियल पावर का एलसी से कोई मतलब नहीं है और रिएक्टिव पावर का आर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि एसी सिस्टम में बेटा इन दोनों ने बंटवारा कर लिया। किसने बैठ गया? आर और एल और सी ने।
अब अपने पास कितनी पावर होती है बेटा, मेनली दो पावर होती है, पी क्यू, एस को बोल जाओ पी क्यू। तो आर ने कहा भैया हम पी रखेंगे, तो क्यू, एलसी ने कहा बेटा हम भैया क्यू रखेंगे, यानी कि रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर होगी एलसी से, रियल पावर बेटा डिसिपेट होगी पी में। अब बेटा सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई ने आपको दो पावर दी, एक पी दिया और एक क्यू दिया बेटा, ओके, दिस इज द वे पी प्लस जे क्यू। तो बेटा क्यू किस में जाएगा, इंडक्टर कैपेसिटर में, और पी किस में जाएगा बेटा, रजिस्टर में। अब तो समझ गए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन बेटा, आप बताओ, ओके, सी बेटा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर सप्लाई इज डिलीवरिंग बेटा 500 वॉट रियल पावर, दिस इज द गिवन, देन कैन यू टेल मी बेटा पावर डिसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। यस, अब तो बोल सकते हैं बेटा पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, या वेरी नाइस बेटा, बोलिए बोलिए साहिल, डिंपल, एवरीवन बेटा, यस, अब तो आसान है। देखो बेटा सप्लाई ने कितनी रियल पावर डिलीवर की बेटा, 500 वॉट। इस पूरे घर में देखो बेटा, घर में क्या क्या लगा हुआ है, घर में एक आर है, बाकी सब एल एल सी सी है बेटा। अब समझो क्या इंडक्टर रियल पावर लेगा, नहीं, क्या ये इंडक्टर लेगा, नहीं, क्या कैपेसिटर लेगा, नहीं, क्या ये कैपेसिटर, नहीं बेटा, क्या ये एल, नहीं, यानी कि जब 500 वॉट बेटा घर में आएगी तो ये लोग मना कर देंगे, ये हमारे जान पहचान का नहीं है भैया। तो 500 वॉट का बेटा मतलब इन सभी एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, तो बचा कौन, आर, ये स्वागत करेगा 500 का, यानी कि सारी की सारी 500 किस में जाएगी बेटा, आर में। तो पी आर क्या हुआ, 500 वॉट, खत्म, एज आई टोल्ड यू, ओके, यस, सो दिस इज द बेटा थिंग, ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड, यस, वेरी नाइस बेटा, होपफुली इट इज क्लियर, ओके, या नो इशू बेटा, 500, यस। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एंड आई वॉन्ट टू अगेन आस्क यू वेरी इजी क्वेश्चन, इस बार कोई मिस्टेक नहीं करना है, बहुत आराम से इजी तरीके से समझो, ओके, क्या है क्वेश्चन बेटा, इस बार कोई मिस्टेक नहीं करना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। हियर बेटा वी हैव सम एल आर बेटा, देन एल सी, देन बेटा सम आर, हियर वी हैव सम आर एंड बेटा देन एल, ओके, दिस इज द थिंग। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा दिस इज आवर सप्लाई, ओके, एंड बेटा आई वॉन्ट राइट आर वन, एल वन, एल टू एंड बेटा सी वन, आर थ्री, आर टू एंड एल थ्री, खत्म, ओके। नाउ बेटा दिस इज आवर लोड, इस पूरे को हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, लोड है, ओके, सो दिस इज आवर लोड, डन। नाउ बेटा हियर वी हैव सम वोल्टेज एंड द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज 20 angle 0 degree एंड सम करंट इज हियर बेटा आई इज इक्वल टू 10 angle 60 degree, ओके, ये वोल्टेज है, ये करंट है बेटा, और ये पूरा लोड है। अब ये पूछ रहा है बेटा पावर कंज्यूम बाय लोड विल बी इन व्हाट, पावर कंज्यूम बाय लोड विल बी इन व्हाट, ओके, नाउ थिंक ओवर इट बेटा, क्या होना चाहिए, या जैसे अभी मैंने आपको बताया ना बेटा उसी तरीके से पावर कंज्यूम बाय लोड, वो ये नहीं पूछ रहा बेटा कि आर वन कितना लेगा, आर टू, आर थ्री कितना लेगा, नहीं, वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है बेटा इस पूरे लोड में कितनी पावर कंज्यूम होगी, बस रियल पावर, ओके, इन वॉट, या 200, गुड गुड बेटा। नाउ सी व्हाट इज द थिंग, क्या मैंने आपको बताया था बेटा कि भाई अगर बेटा हम अपने सप्लाई को देखें तो जितनी बेटा सप्लाई रियल पावर डिलीवर करेगा उतनी ही बेटा लोड रियल पावर कंज्यूम करेगा। तो क्या होगी सप्लाई की रियल पावर, पहले उस पे देखो बेटा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओके, शायद याद हो आपको बेटा, पी एस इज इक्वल टू वी एस आई एस इन टू कॉस फाइव, जहां पे बेटा वी एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, आर एम एस वैल्यू ऑफ बेटा सप्लाई करेंट, RMS value of supply voltage into बेटा power factor,
where this phi is nothing but beta angle between VS and IS. अब बेटा अपना VS क्या दिया है? देखो VS दिया है 20 एंगल 0 डिग्री और IS दिया बेटा 10 एंगल 60 डिग्री. इनका फेजर बनाओ. फेजर बनाओगे तो बेटा ऐसा कुछ होगा, VS को रेफरेंस लिया, 20 एंगल छोड़ो 20 वोल्ट बेटा VS, इससे करंट कितने डिग्री लीड किया बेटा, करंट लीड कर गया 60 डिग्री. ओके सो आई वांट राइट बेटा IS हियर एंड दैट एंगल इज 60 डिग्री. तो VS और IS के बीच में कितना एंगल है बेटा 60, इसी को बोलते हैं हम लोग फाई और पावर फैक्टर एंगल. अच्छा VS RMS कितना है बेटा 20, IS RMS कितना है 10, एंगल कितना है 60. तो क्या आंसर हो गया बेटा 20 into 10 into बेटा cos 60, 20 into 10 बेटा 200, cos 60 is 1/2, so final answer is 100 watt. So क्या लिखोगे? Final answer is 100 watt. Hopefully it is clear. Okay? Yes. Very nice बेटा. Okay? बेहतरीन बेटा, बेहतरीन. Okay. तो do one thing बेटा जी, Dimple and Sahil, everyone बेटा. Rest problem we will do beta tomorrow, okay? And meanwhile, just inform to your friends, okay? And join this session beta. Jitne log jada se jada join karenge, jitne log jada se jada samjhenge beta, aap samajhte hain, utna hi hum log acha aur behtar discuss kar payenge, okay? So do one thing beta, just share this video or this link or beta CIZ Plus app, okay? जो भी जब भी आपके पास समय हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज जस्ट माय रिक्वेस्ट बेटा और सजेशन कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे या पढ़ाएंगे इसको, तो हम लोग बेहतर डिस्कशन कर पाएंगे, बेहतर चीजें समझ पाएंगे. ओके तो जस्ट इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स और जिनको जिनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो भी सीरियस हो एग्जाम के प्रति, नॉट ओनली फॉर SSC बेटा, फॉर एनी एग्जाम, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट बेटा एंड दीज कंसेप्ट आर रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी एग्जाम. तो आपको परेशान नहीं होना है और चीजों को समझते रहिए. जैसे जैसे बेटा आप अपनी एंगेजमेंट दिखाएंगे, मैं अपनी तरफ से ऐसा एक कोशिश करने जा रहा हूं बेटा कि ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ पाए. ओके एक कंसिडरेबल टाइम में या कम टाइम में. ओके या थैंक यू बेटा एवरीवन.